नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मौर्य, आप देख रहे हैं टेक्निकल टेस्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme 6i की, अनबॉक्सिंग करेंगे मोबाइल की और दिखाएंगे कि Realme 6i के साथ हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है, कैसा मोबाइल है और क्या मोबाइल के साथ क्या कुछ नया दिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटे का बटन भी दबा लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme 6i की, अनबॉक्सिंग करेंगे और दिखाएंगे कि यह फ़ोन कैसा है। दोस्तों ये जो Realme 6i है, यह फ़ोन पूरी तरह से, यहाँ पर देख सकते हैं मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, यह पूरी तरह से भारत में बनता हुआ है फ़ोन। चलिए इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और दिखाते हैं कि जो Realme 6i की फ़ोन है वो हमें देखने को कैसा मिलता है। चलिए इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं 6i के कुछ रिव्यू दिखाते हैं जो कि आपको पसंद आएगा। चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ देख सकते हैं बॉक्स है, कुछ इस तरह के बॉक्स हमें देखने को मिलता है। जो Realme का बॉक्स होता है वो ज़्यादातर आपको येलो कलर में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं बॉक्स हमारे पास है। चलिए इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा एक छोटा सा केस मिलता है और इस केस के अंदर, चलिए देख लेते हैं इस केस के अंदर हमें क्या कुछ नया देखने। यहाँ सबसे पहले हमें सिम निकालने के लिए एक पिन दिया होता है और उसके बाद देख सकते हैं इसके साथ हमें एक बैक कवर मिलता है और एक यूजर मैनुअल गाइड मिलता है जिस पर Realme लिखा रहता है और कुछ यूजर मैनुअल गाइड्स होती है और एक हमारे पास प्लास्टिक के कवर देता है जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही अच्छी कवर हमें देखने को मिल जाता है इस फ़ोन के साथ। और चलिए इसको और ओपन करते हैं। ये हमारा फ़ोन हो गया है। तो फिलहाल इस फ़ोन को हम यहाँ देख सकते हैं Realme लिखा हुआ है। फिलहाल इस फ़ोन को हम साइड में रखते हैं और कुछ और एसेसरीज यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमें बॉक्स के साथ हमें क्या कुछ और देखने को मिलता है। चलिए इसे हम हटाते हैं और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों Realme फ़ोन के साथ ये देता है कि इस फ़ोन के साथ आपको कोई भी ईयरफोन देखने को नहीं मिलता। यहाँ देख सकते हैं एक हमारे पास चार्जर है जो कि फास्ट चार्जिंग यहाँ पे वर्क करता है, मतलब ये फास्ट चार्जिंग है। यहाँ पे एक प्लास्टिक कवर लगा हुआ है, इसे हटाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, इसी तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक केबल दिया गया है जो दोस्तों ये जो चार्जर ये टाइप सी है, तो इस तरह से ये बहुत फास्ट चार्जिंग करेगा। यहाँ आप देख सकते हैं एक केबल जो है ये टाइप सी है, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप सी केबल है, जितना सबका लेंथ होता है उतनी बड़ा ये टाइप सी चार्जर है, बहुत फास्ट चार्जिंग ये मोबाइल करता है, मोबाइल के लिए बहुत ही परफेक्ट। और बाकी साथ हमें और कुछ देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब इस मोबाइल का फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं और उसके बाद मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा कि ये फ़ोन कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये पावर बटन दिया है। दोस्तों यहाँ पे इस फ़ोन के अंदर एक खास चीज़ दिया है कि इसके पावर बटन के में ही यहाँ पे फिंगरप्रिंट दिया हुआ और कहीं भी नहीं है। सबसे पहले इसे हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद जब तक ये ऑन होता है मैं इसके कुछ और फीचर्स दिखा देता हूँ। नीचे के साइड यहाँ देख सकते हैं हमें ऑडियो जैक मिलेगा और यहाँ ही पे हमें सब कुछ नीचे देखने को मिल जाएगा। और वहाँ देख सकते हैं एक साइड और देखेंगे तो नहीं तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम बटन मिल जाएगा और उसके बाद यहीं पर हमें सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगा या फिर सिम निकाल लगाने के लिए हमें एक साइड में देखने को मिल जाएगा। चलिए इसे भी हम ओपन करके देख लेते हैं कि ये कैसा है, इसके अंदर कितनी सिम और मेमोरी कार्ड कितना लगेगा। चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दबाएंगे यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे इसे जैसे हम ओपन करेंगे यहाँ देख सकते हैं दो सिम हम एक साथ और एक मेमोरी कार्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है कि एक ही साथ सब कुछ यहाँ पर हम यूज कर ले। चलिए इसको हम अंदर डाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ऊपर की साइड हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा और उसके एक साइड हमें देखेंगे पावर बटन में ही हमें फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। इसे भी मैं सेट करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली फिंगरप्रिंट आप कैसे सेट कर सकते हैं पावर बटन के अंदर ही। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मोबाइल पूरी तरह से यहाँ पे ऑन हो चुकी है। चलिए इसके कुछ और फीचर्स यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं चलते हैं सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद हम अबाउट फ़ोन में चलते हैं और देखते हैं कि यह फ़ोन में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। दोस्तों यह जो फ़ोन होता है, यह फ़ोन हमें जो मैं मार्केट में लिया हूँ, यह फ़ोन हमें 4 और 64 GB के वेरियंट में लिया हूँ। यहाँ देख सकते हैं रैम यहाँ पर हमें 4 GB मिलता है। ये एंड्रॉयड 10 के ऊपर ये वर्क करता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा फ़ोन हो गया जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको पूरी तरह से ओपन कर लिया, उसका सेटअप भी यहाँ पे सब कुछ कर लिया। चलिए सबसे बड़ी जो इसमें एक नया फीचर्स आया हुआ है वो है यहाँ पर देख सकते हैं इसका पावर बटन के अंदर ही हमें फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट
सेट करने से पहले हमें यहाँ पे पिन या पासवर्ड कुछ भी सेट करना पड़ता था। यहाँ पे मैं सिंपली कोई भी एक पासवर्ड यहाँ पे रख लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट का यूज करेंगे या फिर सेट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं इसके साइड में ही फिंगरप्रिंट दिया हुआ, साइड में आपको अपने हाथों से यहाँ पर दिया लगाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं ये फिंगरप्रिंट वाला जो भी कालम है पूरी तरह से भर रहा है। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि साइड में बहुत छोटा सा फिंगरप्रिंट दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छे से वर्क भी करता है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा ये फिंगरप्रिंट अब पूरी तरह से यहाँ पे लग चुका है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे ये अब मेरा फिंगरप्रिंट लग गया है। अब मैं इसको बैग आ जाता हूँ, पूरी तरह से इसको हटा देता हूँ और उसके बाद मैं इसको देखता हूँ कि मेरा फिंगरप्रिंट काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं अपना फिंगरप्रिंट लगा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये तुरंत खुल जा रहा है। देखिए मैं कोई और फिंगरप्रिंट लगाता हूँ, यहाँ पे मुझे पिन या पासवर्ड मांग लेगा, लेकिन जैसे मैं अपना फिंगर लगा रहा हूँ तुरंत काम करता है, बहुत अच्छे से इसका फिंगरप्रिंट काम कर लेता है। इस मोबाइल में जो नया टेक्नोलॉजी आई है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि फिंगरप्रिंट आप कैसे यूज कर सकते हैं। यदि आप अपनी रियलमी 6i में नया फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया हूँ। यही सब कुछ चीज़ें था रियलमी 6i के साथ। यदि इस वीडियो में इतना, यदि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस मोबाइल के बाद एक इसकी और नई वीडियो आने वाली है जिसमें मैं इसका कैमरा रिव्यू करके दिखाऊंगा कि आखिर इसका कैमरा कैसा है या इसके कैमरे से कैसी इसकी फोटो आ रही है।